दोस्तों, भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हर भारतीयों के लिए ये दिन खास है क्योंकि इस दिन भारत को आज़ादी मिली थी, इसलिए इस दिन को आज़ादी का दिन भी कहा जाता है। भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था, तब से आज तक मनाया जाता आ रहा है। पर क्या आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस क्या है, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? नहीं पता तो बने रहिए आप हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस भारत में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में 15 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन ब्रिटिशों के पंजे से आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमारे स्वतंत्र सेनानियों और भारत के लोगों के बहादुर होने का प्रतीक है, और ये दिन ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी को दर्शाता है और सभी लोगों को एकजुट कर देश की शक्ति को प्रदर्शित भी करता है। इसी दिन भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, इसलिए इस दिन को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष एक राजपत्रित छुट्टी आयोजित की जाती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह एक सिर्फ एक सार्वजनिक अवकाश है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि स्वतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि स्वतंत्र दिवस क्या है, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश, ये वो दिन होता है जब किसी देश को आज़ादी मिली हो, और इसे राजपत्रित छुट्टी के नाम से जाना जाता है। इसे आज़ादी का जश्न भी कहा जाता है। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। इस दिन सभी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से फ्रीडम हुआ था। ये भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। प्रतिवर्ष भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं और राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस दिन को झंडा फहराने के समारोह, परेड और सांस्कृतिक आयोजन के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। भारतीय इस दिन अपनी पोशाक और घरों में झंडा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी की याद में मनाया जाता है। 15 अगस्त को एक नए स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ। इस दिन अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा और देश को नेताओं को सौंपा था, इसलिए ये भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है, और भारतीय इस दिन को हर साल बड़ी धूमधाम से मिलकर मनाते हैं। इस दिन भारत को लंबे वर्षों के बाद ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र रूप से देश की स्वतंत्रता मनाने के लिए इस दिन को पूरे भारत में राष्ट्रीय और राजपत्रित अवकाश के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों, भारत के लिए अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करना इतना आसान नहीं था, लेकिन भारत के कुछ महान लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे सच कर दिखाया। उन्होंने अपनी पीढ़ियों की चिंताएं के बजाय पूरे भारत परिवार की चिंता की और स्वतंत्रता प्राप्त करने में अपनी जान तक त्याग दी। इस दिन सभी राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार के कार्यालय, बैंक, डाकघर, स्टोर, बाजार, व्यवसाय और संगठन आदि सब बंद रहते हैं, हालांकि सार्वजनिक परिवहन चालू रहते हैं। यह भारत की राजधानी में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। साथ ही ये सार्वजनिक समुदाय और समाज सहित छात्रों और शिक्षकों द्वारा सभी स्कूलों, कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में भी मनाया जाता है।